आपने अब तक मानव निर्मित स्विमिंग पूल देखा है, लेकिन आज मैं आपको प्रकृति द्वारा बनाया गया या रचा गया स्विमिंग पूल दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूं, बस्तर के आदिवासियों की बात करता हूं, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति, यहां की समस्याओं की बात करता हूं। अगर आपको मेरे रिपोर्ट्स पसंद आते हों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल, मैं स्विमिंग पूल की बात कर रहा था। दरअसल पिछले 3 दिनों और 2 रातों से मैं बस्तर के सुदूर इलाकों में रिपोर्टिंग करने आया हूं और यहां रिपोर्टिंग मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं वापस जा रहा हूं, मेरे साथ बीजापुर के पत्रकार साथी हैं। सुबह जगे और फ्रेश होने लायक गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम सोचे कि भाई बीजापुर पहुँच कर ही फ्रेश होते हैं। मगर रास्ते पर नाला बहता नज़र आया और करीब हम सड़क से 20 मीटर की दूरी पे अंदर चले आए। देखिए, चारों तरफ घना जंगल है, बहुत खूबसूरत जंगल है, हरियाली है, शांति है, सुकून है और यहाँ है एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल जहाँ अब हम नहाएंगे। और यहाँ नहाने का जो आनंद है, उस चेहरे पे वो जो मेरे दो साथी हैं गणेश मिश्रा, रंजन दास, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट को देखकर संभवतः आप पहचान पाए। इसी जंगल से हमने दातून लिया, दातून किया इसी जगह और फिर काफी देर वक्त गुजारे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, सुकून है और ये जंगल बहुत निश्चल प्रेम के साथ आपका स्वागत करते हैं। और इस जंगल में जो शांति, जो खूबसूरती है, वो अन्य जंगलों की तरह है, मगर यहाँ पे कुछ अतिक्रमणकारी आए हैं, जैसा कि माओवाद समस्या को लेकर लोग घबराते हैं, खतराते हैं। लेकिन माओवादियों का ये कहना है कि भैया आपका स्वागत है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं या बस्तर को जो देखना चाहते हैं, माओवादियों से घबराने खतराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा माओवादी कहते हैं। माओवादी उनकी ही हत्या करते हैं जो उनके निशाने पर होते हैं या फिर माओवादियों के कानून के कानून की खिलाफत करते हैं। लिहाजा तो लब्बो लबाब ये कि बस्तर को जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत है बस्तर। बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़ के अलावा काफ़ी कुछ है जिसे देखा जाना चाहिए और इसकी खूबसूरती बारिश के समय पे और भी ज़्यादा निकल कर आती है सामने। बारिश के दौरान बस्तर जो है एक तरीके से दुल्हन की तरह सज जाता है। और इस बस्तर में आपका स्वागत है, आइए और देखिए मेरे दोस्तों को कितनी मस्ती करते हुए ये नहा रहे हैं। क्यों कॉमरेड, आप तो नहीं नहाने वाले थे? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं अपने साथियों को कॉमरेड ही बुलाता हूं, है ना। इसका ये मतलब मत निकालिए कि मैं नक्सल समर्थक हूं या फिर मेरे साथी नक्सल समर्थक हैं। अच्छा, कैसा लग रहा? मस्त है भाई, मजा है। मिनी वाटरफॉल और प्रकृति द्वारा निर्मित जो है स्विमिंग पूल, बहुत बढ़िया। तो हम भी जा रहे हैं नहाने, है ना, दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास, प्रकृति द्वारा बनाई गई इस स्विमिंग पूल में। और यहीं पे हमने अपना लगेज भी छोड़ा है। लगेज छोड़कर जो है भाई, नीचे मत दिखाना है वरना मेरे दर्शक थोड़े से असहज हो जाएंगे और मैं अपने दर्शकों को असहज नहीं करना चाहता। इसको पकड़िए माइक को, वरना खराब हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा दिखाना, बस अपन जा रहे हैं, तब तक एक काम करो, यहाँ की खूबसूरती दिखाइए हमारे वहां तक पहुंच कर। Thank you.
कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उसको निकालो। तो बताइए बॉस कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। एक सेकंड मैं उधर से शूट करता हूँ, आप बताइए। आप बताओ, आप घर में नहाते आमतौर पे, लेकिन प्रकृति के बीच में जब एक द्रुत गति से पानी आ रहा हो और आप इस ये अपन सावर लेंगे, सावर समझे? ये 5 स्टार से 5 स्टार होटल में जो सावर होता है ना, उससे ज्यादा कीमती है ये, बेस्ट कीमती है ये, अनमोल सावर है ये। देखिए इसका आनंद इस वक्त हम ले रहा है ना। थोड़ा सा और पीछे जाओ, खड़ा हो जाओ। वाह वापस आइए, एक सेकंड। अरे सावर तो शानदार है यार, है ना? दिल दर्द कर रहा था, ठीक हो गया भाई। मजा तो आप तो मना कर रहे थे मैं नहीं नहाऊंगा करके, वैसे नहाने के पीछे वजह क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे जो साथी है गणेश मिश्रा, ये कह रहे थे कि भैया हमको नहीं नहाना है, लेकिन जैसे ही इस जगह पहुंचे नहाने का मन कर गया यार। अच्छा, सावर देख के या इस स्विमिंग पूल को देख कर, दोनों वजह यार। लो दादा एक बार वहाँ जाइए, दर्शकों को दिखाते हैं। अरे वो बहुत हैवी, अरे मिनी वाटरफॉल है। बहुत शानदार, थोड़ा और पीछे जाइए। अब आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, अब आगे आइए। अरे भाई यार चट्टी भी खिसक जाती, इतना प्रेशर। वाह वाह, गनीमत है, अंदर की बात है, अंदर की बात है, हाइट रहना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सही। लो मोहन, चलिए साथियों मुझको दीजिए इजाजत। मुझको ऐसा लगता है कि खबरों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, इन खबरों को कवर करने के लिए जो चुनौतियां आती हैं, अब मैं तो मैं चुनौतियां नहीं कहता, अब उसे मैं जो भी ये रोमांच है, इन रोमांच को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस सुकून से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, और बस्तर में रिपोर्टिंग करने का ये अपना मज़ा है। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। वैसे ऐसी कहानियाँ देखना पसंद करते हो तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। खबरों के अलावा भी बस्तर जंक्शन में अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे सफ़र में जो कुछ रोमांच, जो कुछ मज़े मैं अपने साथियों के साथ करूँ या लोगों के बीच गुजरूँ, खबरों का हिस्सा जो ना हो उसे भी आपसे साझा करूँ, तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।